टी20 क्रिकेट विश्व कप की। टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सुपर एट के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से पराजित कर दिया है और सेमीफाइनल के दरवाजे के बेहद करीब टीम इंडिया पहुंच गई है। और अगर बात करें हम इस मुकाबले की तो भारत ने एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंसिव जीत कह सकते हैं दर्ज की है। भारत ने ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को अपने पंजे में फंसाया। और आपको यह भी बता दें कि लगातार ये पांचवीं जीत भारतीय टीम ने इस टी20 विश्व कप में दर्ज की है और सभी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 24 जून को भारतीय टीम अगला मुकाबला खेलेगी और उससे पहले सुपर एट के दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने जीत चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव विन और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत टीम इंडिया ने दर्ज की है। इस पूरे मैच पर चर्चा करेंगे, मैच की समीक्षा करेंगे, कहां भारतीय टीम बेहतर नजर आई, कहां आने वाले मैचों में और सुधार की जरूरत है और बांग्लादेश की टीम कहां इस पूरे मैच में पिछड़ते नजर आई। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, सुपर एट के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने कह सकते हैं कि बांग्लादेश को अपने पंजे में फंसाया और सेमीफाइनल की राह पक्की की है। सुपर एट में भारत का सुपर प्रदर्शन जारी है और उसने बांग्लादेश को जिस तरह से पराजित किया उसमें आपको बांग्लादेश कहीं भारतीय टीम के सामने खड़ी दिखी ही नहीं। और आप देखिए तो पूरे मैच में आप रोमांचक क्षण ढूंढते रह जाएंगे जहां आपको एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिला हो, क्योंकि बिल्कुल भारत ने एक तरफा जीत की कन्विंसिंग विक्ट्री थी ये भारत के लिए। और देखिए बांग्लादेश को जो एक अवसर मिला जो कि उसे कैश कर सकती थी जो वो चूकी है, तो वो वही है, वो टॉस का वक्त है। जब टॉस बांग्लादेश ने जीता था तो देखिए उम्मीद थी कि वो बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहां पर डे मैचेस हो रहे हैं। ये अगर आप जब डे नाइट मैच खेलते हैं या रात में आप खेलते हैं तो वो एक ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तब आप बाद में गेंदबाजी करने के लिए या बल्लेबाजी करने के लिए माफ कीजिएगा आप टेम्प्ट होते हैं कि बाद में अगर हम बैटिंग करते हैं तो जो भी टारगेट होगा हम उसे हासिल कर लेंगे, क्योंकि उससे गेंदबाजी करने वाले टीम को नुकसान होगी। लेकिन डे मैचेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डे मैचेस में आमतौर पर ये सिंपल रूल है कि आप टॉस जीतिए तो पहले बैटिंग कीजिए, क्योंकि फिर जब विकेट जिस तरह की वेस्टइंडीज में मिल रही है वो आगे जाकर और जो है स्लो होते चली जाती है। तो यहां पर जो एक बड़ी चूक बांग्लादेश ने की वो मैच शुरू होने के वक्त ही की, जब टॉस तो जीत लिया था उसने लेकिन उसने गेंदबाजी का फैसला लिया और उसी वक्त रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हम पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते हैं। खैर जब मैच शुरू हुआ और इस मैच की जो अगर हम बात करें तो देखिए भारत की शुरुआत अच्छी हुई जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक मिसिंग दिख रही थी इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो जो एक और बॉक्स है वो टिक हो चुका है, जो ओपनिंग पेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली की है उन्होंने एक साझेदारी की 39 रनों की। और ये साझेदारी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि 39 रन तो बने ही लेकिन अच्छी गति से ये रन आए और 3.4 ओवर में ही ये 39 रन आए। रोहित शर्मा ने कुछ छक्के लगाए, चौके लगाए, बहुत ही आक्रामक मूड में दिख रहे थे लेकिन अपनी पारी को वो बहुत आगे नहीं ले जा सके, क्योंकि एक उन्होंने जो है आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद जो है वो हवा में टंग गई और वो कैच आउट हुए। उन्होंने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए तो 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उनका रहा। देखिए भारतीय पारी की जो खासियत रही नवीन कि विकेट गिरते रहे, ऐसा नहीं है कि विकेट गिरे नहीं, लेकिन जो रन गति है उसे किसी भी बैटर ने कम होने नहीं दिया। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बांग्लादेश के खिलाफ मैच से निकल कर आया वो विराट कोहली की फॉर्म में वापसी हुई और ये बिल्कुल राइट टाइम पे ये फॉर्म में उन्होंने वापसी की है, क्योंकि अब 3 सबसे महत्वपूर्ण मैच भारत के लिए बचे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो एक तो सुपर एट का लीग मैच है तो चलिए वहां पर तो एक चांस है, लेकिन बाद में 2 नॉकआउट मैच हैं सेमीफाइनल और फाइनल, तो इसलिए यहां पर विराट कोहली का फॉर्म में आना जरूरी था। उन्होंने फॉर्म में वापसी भी की है और उन्होंने 37 रन बनाए और तेजी से रन बनाए। उन्होंने भी जो है 28 गेंदों पर ही ये 34 रन बनाए। इसके बाद आप देखिए कि ऋषभ पंत इस
टूर्नामेंट में अभी तक इंडियन बैटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे कंसिस्टेंट जो है वो ऋषभ पंत ही दिखे हैं। हर पारी में उनके रन आ रहे हैं और ऋषभ पंत ने एक बार फिर से 24 गेंदों पर 36 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए रिवर्स स्वीप खेलते हुए, वो एक कंसर्न है कि बार बार वो इस तरह से आउट हो रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए ही LBW हुए थे, इस बार कैच किए गए, यही फर्क है। सूर्या ने जहां पिछले मैच में छोड़ा था, सोचा वहीं से शुरुआत करूं, पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर जो अतिरिक्त बाउंस मिलता है उस पर जो है वो विकेट के पीछे लपके जाते हैं। तो दो विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे पंत के और उसके बाद सूर्या के, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या ने वो मैच्योरिटी दिखाई। पहले तो उन्होंने अपने आप को संभाला, एक छोर पकड़ा और सामने जो है शिवम दुबे को कहा कि आप थोड़े रन बनाइए, और फिर शिवम दुबे का भी कॉन्फिडेंस लौटा, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली 24 गेंदों पर 34 रनों की, और फिर लास्ट में हार्दिक पांड्या ब्लास्ट करते हैं और वहां पर उन्होंने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया और भारत ने 20 ओवर में 196 रन बना दिए। जैसे नवीन 20 ओवर में 196 स्कोरबोर्ड पर टंगा, यह तय हो गया था कि अब कुछ देर के बाद इसी स्कोरबोर्ड पर यह लिखा जाएगा कि भारतीय टीम यह मैच जीत रही है, क्योंकि यह पिच उस तरह की नहीं थी। यहां 160-170 भी आपको एक सेफ स्कोर था, तो ये इतने रन बनाना बांग्लादेश के लिए मुश्किल था और ये दिखा भी। लिटन दास ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, उनको आउट करते हैं, ब्रेक थ्रू हार्दिक पांड्या ने दिलाया। फिर कुलदीप यादव, जो मैं कुलदीप यादव को लेकर आने की बात करता था कि जैसे ही वेस्ट इंडीज टीम पहुंचेगी कुलदीप यादव खेलेंगे, वही हुआ और उन्होंने दिखाया कि उनमें विकेट लेने की एबिलिटी है, विकेट टेकर हैं, और फिर से उन्होंने 3 विकेट लिए, और जो उन्होंने 3 विकेट लगातार निकाले ना, बांग्लादेश बिल्कुल बैकफुट पर चली गई। देखिए बांग्लादेश को भी अच्छी शुरुआत मिली थी, उन्होंने भी पहले विकेट के लिए 35 रन बनाए थे, एक समय 66 रन पर उनका सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ था, लेकिन यहां से मैच पूरी तरह से बदला कुलदीप की गेंदबाजी से और उन्होंने 3 विकेट लिए। फिर बाद में बुमराह आते हैं, वो 2 विकेट निकाल कर ले जाते हैं, जिसमें कि कप्तान का विकेट है शांतो का, तो वो शांतो को आउट करते हैं। फिर अर्शदीप आते हैं, वो 2 विकेट निकाल कर चले जाते हैं। तो जो भारतीय टीम की खासियत है कि विकेट टेकर्स हैं भारतीय टीम में, तो तमाम कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश 146 रनों तक ही पहुंच पाती है। और बुमराह का बॉलिंग एनालिसिस, 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, मतलब आप समझिए T20 इंटरनेशनल में 4 ओवर में आप 13 रन दे रहे हैं तो सामने वाली टीम के लिए बचता ही क्या है। और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए, तो ये बॉलिंग एनालिसिस जो टॉप 2 बॉलर्स इंडिया की तरफ से रहे, और भारत ने कन्विंसिंगली 50 रनों से जो है बांग्लादेश को शिकस्त दी। विश्व कप में बांग्लादेश की टीम को ये 5वीं बार भारतीय टीम ने हराया है और बिल्कुल एक आदत सी हो गई है भारतीय टीम की कि वो बांग्लादेश को जो है T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त देता है। ऐसे T20 इंटरनेशनल में भी भारत का रिकॉर्ड उसके खिलाफ बेहतर हो गया है। पहले जो है 13 मैचों में 12 मैच जीते थे, अब 14 मैचों में 13 हो गए। तो कुल मिलाकर भारत की टीम एक कन्विंसिंग विक्ट्री भारतीय टीम के लिए, बिल्कुल एक कन्विंसिंग विक्ट्री है। और जैसा कि आपने बताया कि 5वीं बार बांग्लादेश को भारतीय टीम ने हराया है, और आगेश जी ये भी है कि लगातार जीत का पंजा भी इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने लगाया है। और जैसा कि हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बात करते रहे कि जो विश्व कप था 2023 का, उसमें भी टीम इंडिया इसी तरीके से जीत कर लगातार आ रही थी और वो मोमेंटम एक बार फिर से इस T20 विश्व कप में देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान को पहले सुपर 8 में टीम इंडिया हराती है और अब देखिए बांग्लादेश को टीम इंडिया हराती है, और उसके बाद जो सबसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है राकेश जी ऑस्ट्रेलिया, वो सोमवार को मुकाबले में होगी भारत के साथ, वो मुकाबला भी सेमीफाइनल से भारत के लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं होगा। या देखिए वो जो मुकाबला होगा वो मेंटल रिलीफ के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी, उसके बाद आपको उसके ऊपर एक जीत चाहिए। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप के बाद
टी20 सीरीज भारत में खेल रही थी, तो उसमें भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की थी 4-1 से। लेकिन उसमें क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के कई रेगुलर प्लेयर नहीं खेल रहे थे, भारत के कई रेगुलर प्लेयर नहीं खेल रहे थे, तो अब ये पूरी टीम है, ये टी20 का विश्व कप है, तो अब अगर आप यहां उसे पराजित करते हैं तो एक जो साइकोलॉजिकल एज होती है वो आपको मिलेगा, और एक छोटा सा रिवेंज, मैं इसे बड़ा रिवेंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिवेंज जो है आप लेते हैं, बदला लेते हैं कि आपने वहां शिकस्त दी थी, हम यहां पर आपको शिकस्त दे रहे हैं। तो ये एक चीज जो है वो महत्वपूर्ण है, और उस लिहाज से देखिए ये जो प्रेजेंट भारतीय टीम है नवीन, इसकी खास बात यही है कि ये टीम फियरलेस क्रिकेट खेल रही है, और ये बात रोहित शर्मा ने जब 2022 का जो टी20 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उस वक्त ही कहा था कि अगर हमें टी20 में अब बेटर करना है तो टी20 अब पूरी तरह से बदल चुका है, 2007 की जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी उसके हिस्सा रह चुके हैं रोहित शर्मा, तो उन्होंने कहा कि अब तब से लेकर अब तक टी20 क्रिकेट बदल चुका है, अब आप वो नहीं है कि 140-150 रन बनाकर जीत सकते हैं, तो अब आपको बड़े स्कोर करने होंगे, और अगर इस तरह से आपको बड़ा स्कोर करना है तो आपको फियरलेस क्रिकेट खेलना होगा, और शुरू से लास्ट तक जो है अपनी पारी में अटैकिंग रहना पड़ेगा। और ये चीज आप देखते हैं कि जो मैच बांग्लादेश के खिलाफ हुआ या अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ, विकेट गिरे हैं भारतीय टीम के, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेली है और लगातार जो है उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, भले ही इस प्रयास में उनके विकेट भी निकले हैं, तो जब आप हमेशा स्ट्रोक खेलते रहते हैं तो सामने वाला गेंदबाज जो आपके विपक्ष में है वो रिलैक्स हो ही नहीं पाता है, उसे हर वक्त लगता है कि ये स्ट्रोक खेलेगा, तो जो एक साइकोलॉजिकल वार होता है वो आप पहले ही जीत लेते हैं। तो ये चीज करते रह रही है इस टी20 विश्व कप में रोहित की टीम। हालांकि देखिए कई बार इसके अपने रिस्क भी हैं, हो सकता है कि आप 190 बना रहे हैं, कभी आप 120-30 पर भी आउट हो सकते हैं, लेकिन जब आप 150-60 पर जाएं और वहां जाकर हारें तो आप 120-30 में हार जाएं, तो इसलिए बेहतर है कि प्रयास होना चाहिए, और जिस तरह से ये टीम खेल रही है वो इसका प्लस पॉइंट है। देखिए यहां पर कोई एक खिलाड़ी की बदौलत आप नहीं जीत रहे हैं, देखिए ये अभी विराट कोहली ने स्कोर किया इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, इससे पहले विराट कोहली के रन नहीं आ रहे थे फिर भी टीम कन्विंसिंगली ही जीत रही थी, तो ये बताता है कि ये टीम जो है अब एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे बैटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, वो सूर्य कुमार यादव हो, वो शिवम दुबे हो, वो हार्दिक पांड्या हो, और टॉप में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा है ही, तो जब ये 6 बैटर्स आपको इस तरह से हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो किसी एक पर भारतीय टीम निर्भर नहीं है, वो इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है। इसी तरह से आप गेंदबाजी यूनिट को देखिए तो जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में जो भारत की गेंदबाजी यूनिट है वो कमाल का प्रदर्शन कर रही है। जसप्रीत बुमराह एक कह सकते हैं कि प्रेरक तत्व हैं, जिन्हें देखते हैं सारे खिलाड़ी कि हाँ किस तरह की पिच है नहीं है, वो जसप्रीत बुमराह का एक अनुमान होता है। उनके आने से देखिए अर्शदीप थोड़े महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन हर मैच में आपको जो है वो विकेट निकाल कर दे रहे हैं। भारत के लिए इस टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट जो है वो अर्शदीप सिंह ने ही लिए हैं, 12 विकेट वो अब तक ले चुके हैं, तो कमाल का प्रदर्शन है। अब कुलदीप के आने से वेरिएशन आ गई है गेंदबाजी में, और जो है आप देखिए वो भी आते ही विकेट निकालने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो जब 3-3 विकेट टेकर आपके पास है, और फिर कंटेन करने के लिए आपके पास रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल हैं, तो फिर सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाती है। उस पर हार्दिक पांड्या जो है वो रन थोड़े जरूर देते हैं, लेकिन विकेट निकालकर वो भी दे रहे हैं। इस टी20 विश्व कप में अब तक 8 विकेट ले चुके हैं, तो ये बताता है कि ये टीम एक संतुलित टीम है, इसका बैलेंस बहुत बढ़िया है, और ऐसी परिस्थिति में किसी भी टीम के लिए भारतीय टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब मजबूत रणनीतियां बनाने में जुट गई होगी, जिस तरीके से भारतीय टीम इस पूरे टी20 विश्व कप में अब तक परफॉर्म कर रही है। और आपने
राकेश जी जिक्र किया कि जिस तरीके से कन्विंसिंगली टीम इंडिया जीतते आ रही है और जो फेयरलेस क्रिकेट टीम इंडिया की ओर से देखने को मिल रहा है वो अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया को मजबूत बना रही है। लेकिन राकेश जी देखिए, अगर हम ग्रुप स्टेज के मुकाबले देखें और सुपर स्टेज के मुकाबलों को देखें तो टीम इंडिया काफ़ी डोमिनेंट रही है जो भी टीमें सामने आई हैं। लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि इम्तिहान आगे होता है और वो इम्तिहान अब आने वाला है। और देखिए, क्रिकेट फैंस की भी ये नाराजगी है, कई मौक़ों पर क्रिकेट फैंस से कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी टीम ग्रुप स्टेजेस में अच्छा करती है, उसके बाद भी अच्छा करती है, लेकिन जब नॉकआउट में जाती है टीम इंडिया तो वहाँ थोड़ा सा इंटेंट अलग नज़र आता है। लेकिन इस बार जो इंटेंट दिख रहा है राकेश जी, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लंबा सूखा खत्म करना है 2007 के बाद का, तो टीम इंडिया को इसी इंटेंट को आगे भी बरकरार रखना है जो पिछले कई मौकों पर दिखा है, नॉकआउट में टीम इंडिया जाती है और वहां सारी उम्मीदें टूट जाती है। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए टीम इंडिया को ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना होगा। और ये जो बातें कही जाती हैं टीम इंडिया के बारे में, वो आपको रिकॉर्ड्स में दिखती भी हैं कि टीम जो है आमतौर पर सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाती है। अगर आप 2022 का T20 विश्व कप याद करें, तब भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी जहां इंग्लैंड ने उसे पराजित कर दिया था। अभी वनडे का जो वर्ल्ड कप हुआ वहां पर फाइनल में पहुंच गई थी तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी। तो अगर आप देखते हैं तो ऐसा देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये तो मुश्किल बात है और ये एक कंसर्न का विषय है, चिंता की बात है, और मुझे लगता है ये बात टीम भी समझती है। लेकिन एक बात ये भी है नवीन कि जब आप नॉकआउट में जाते हैं तो जिस तरह से आप अभी फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो वैसा क्रिकेट जो है नॉकआउट में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि यहां पर आपको लगता है कि चलो ये मैच हार भी जाएंगे तो अगला मैच जो है वो आपके पास रहता है वापसी के लिए, लेकिन नॉकआउट में इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो वहां पर जो एक मेंटल वार है, वहां पर आप खुद से कई बार हार जाते हैं और आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं। जैसे अगर आप वनडे के विश्व कप को याद कीजिए तो फियरलेस क्रिकेट की शुरुआत भारतीय टीम ने की थी और रोहित शर्मा ने शुरू में काफी आक्रामक शॉट लगाए थे, लेकिन जब जल्दी जल्दी कुछ विकेट गिर गए तो फिर वहां पर विराट कोहली और केएल राहुल जो है वो शेल में चले गए थे और रन गति धीमी हो गई थी। और देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो यही है। अब आप, अगर मैं T20 की बात करूं तो आप 120 बनाइए या 140 बनाइए या 150 बनाइए, रिजल्ट वही ऑलमोस्ट आता है। तो आपको जीतने के लिए 170-180 रन जो है वो बनाने चाहिए, तो वो उसी का प्रयास करना होगा। हो सकता है उस प्रयास में आप 120 पर ऑल आउट हो जाएं, टीम हारे जीते वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो आपका इंटेंट होना चाहिए खेल के प्रति वो वही होना चाहिए। और अगर इस टीम से मैं कुछ अपेक्षा कर रहा हूं तो मैं परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जिस अंदाज में ये टीम अब तक खेली है उसी अंदाज में खेले। ऐसा ना हो कि जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में जाते हैं तो आप अपने खेलने का अंदाज बदल लेते हैं। देखिए, यहां पर भी दो दो विकेट, तीन तीन विकेट साथ में गुच्छों में गिरे हैं, चाहे आप अफगानिस्तान के खिलाफ बात कर लीजिए या बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन वहां पर रन गति आपने रुकने नहीं दिया है। तो यही चीज जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में भी दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब फिर जाकर जो है टीम को परेशानी होती है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो एक मजबूत टीम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल है, आप उसे शिकस्त नहीं दे सकते। उसके भी खेलने का तरीका ऐसा ही है, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है, लेकिन जब नॉकआउट मैचेस होता है, अगर वहां आप उसके भी दो तीन विकेट निकाल लेंगे ना तो वो भी बैकफुट पर जाएगी। अब ये बात अलग हो जाती है कि देखिए, कई बार परिस्थितियां भी इस तरह की बन जाती हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। अगर हम पीछे वनडे के विश्व कप में जाएं तो जिस तरह से ड्यू फैक्टर जो है वो आ जाता था, उसमें बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल होता था। यहां पर भारतीय टीम के साथ एक अच्छी चीज हो रही है कि डे मैचेस हो रहे हैं, तो यहां पर आपके पास अवसर है, पूरे दिन गेंद गीली नहीं होती है, जब नाइट मैचेस होते हैं तब गेंद गीली होती है। तो भारत T20 वर्ल्ड कप में सौभाग्यशाली रहा है अब तक कि उसके सारे मैच जो हैं वो डे मैचेस हैं, और इसका फायदा
फायदा टीम को मिला है। इस तरह की क्रिकेट से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, जहां ड्यू इतना बड़ा फैक्टर हो जाता है कि टॉस ही डिसाइड कर दे कि मैच कौन सी टीम जीतने जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने उस हार से भी सबक ली होगी जो उसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी, और वो दिखती है। देखिए, अभी अगर भारतीय टीम के अब हम कंसर्न की बात करें और बॉक्सेस टिक होने की बात करें, तो एक अब रविंद्र जडेजा ही कंसर्न रह गए हैं, क्योंकि उनके बल्ले से उस तरह से रन नहीं आए हैं और प्लस उनकी गेंदबाजी भी उतनी इफेक्टिव दिखी नहीं है। कल भी जब मैं उन्हें गेंदबाजी करते हुए देख रहा था तो वो गेंद को पुश कर रहे थे, थोड़ी तेज गति से डालना चाह रहे थे, तो मतलब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है वो रविंद्र जडेजा का कम दिख रहा है। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा उस तरह के खिलाड़ी हैं कि एक बार अपनी लय पा लेंगे तब फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, तो ठीक है। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा लय में आ गए, थोड़ी देर से ही आए, लेकिन वो अब आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा भी आगे आएंगे लय में। क्योंकि एक बात और भी हुई है कि इधर जो भारतीय टीम ने मुकाबले खेले हैं, चाहे अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, ये सब जो है एशियाई मूल के देश हैं, और इधर के बैटर्स जो हैं वो स्पिनर्स को बेटर खेलते भी हैं। तो अब जब मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से भारत का, तब वहां पर भारतीय स्पिनर्स आपको ज्यादा प्रभावी दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बॉक्स अभी तक अनटिक है वो भी टिक हो जाएगा, और ये सारी चीजें होते होते मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार है इस बार। अब देखिए, किस्मत से तो आप नहीं लड़ सकते, जैसा कि पिछली बार कुछ हमने देखा था, तो वैसा अगर कुछ नहीं होता है तो टीम बिल्कुल राइट पाथ पे जा रही है। बिल्कुल राइट पाथ पे जा रही है, और जैसा कि आपने कहा कि एक प्रबल दावेदार है, और प्रबल दावेदार के रूप में टीम इंडिया आगे भी बढ़ रही है। अब तक अजय रही है टीम इंडिया, 5 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही है। अगला मुकाबला सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल की राह, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि आने वाले जो 3 मुकाबले हैं, यानी कि अगर जीत की हैट्रिक लगती है राकेश जी, तो फिर विश्व कप इस बार टीम इंडिया का हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इस मुकाबले से कुछ पॉजिटिव चीजें निकल करके आई हैं, जिसका आपने शुरुआत से जिक्र किया। कुछ जो खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो बॉक्सेस खाली थे वो फील हो गए हैं। विराट कोहली लय में वापस आ गए हैं। शिवम दुबे को लेकर चर्चा हो रही थी कि उन्हें बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया, पर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे ने भी अच्छा काम किया है। इसके अलावा अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें, आईपीएल में बिल्कुल अलग उनका खेल दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, अपने आलोचकों को जवाब दिया है, तो वो एक पॉजिटिव चीज निकल के आया है। बांग्लादेश के साथ जो मुकाबला हुआ, तो ये 2-3 चीजें पॉजिटिव निकल करके आई हैं, और ये पॉजिटिव जो है वो टीम इंडिया को मजबूत करेगी आने वाले मैचेस के लिए। तो आने वाले 3 मैचेस बेहद अहम है राकेश जी, और ये जो चीजें, अब ये जो बॉक्सेस जो फिट हुए हैं, वो निश्चित रूप से अब टीम इंडिया को और भी मजबूत बना रहे हैं और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आने वाले मैचेस के लिए। बिल्कुल, ये जिस तरह से बॉक्सेस टिक होते चले जा रहे हैं, खिलाड़ी लय में वापसी करते जा रहे हैं, और खास बात यह है कि सभी समय के साथ जो है वो वापसी कर रहे हैं अपनी फॉर्म में, तो ये भारतीय टीम के लिए एक पॉजिटिव बात है, प्लस पॉइंट है भारतीय टीम का। देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखिए तो जो आजकल क्रिकेट है उसमें सबसे बड़ी राइवलरी की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इनविंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे पराजित नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी कई बार फंसती है, हारती है, तो आप उसे शिकस्त दे सकते हैं। और अगर आप T20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिकॉर्ड्स की बात करें, तो जो 31 मैच हुए हैं उसमें 19 मुकाबले भारत ने ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाम जो है वो 11 मैच है और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहां भी रिकॉर्ड भारत के फेवर में दिखता है। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें बाजी जो है भारत के पक्ष में ही है,
भारत ने 3 मैच जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं। और मैं तो बिल्कुल पहले टी20 विश्व कप में चला जाता हूं जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी 2007 की, मैं बात कर रहा हूं धोनी की कप्तानी में भारत ने तब ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और उसका कॉन्फिडेंस इतना आया टीम में कि फिर टीम जो है वो चैंपियन बनकर लौटी वहां पर। वो टीम काफी स्ट्रांग थी, ऑस्ट्रेलिया की रिकी पोंटिंग वगैरह सारे खिलाड़ी उस टीम में थे, बावजूद इसके भारत ने उसे शिकस्त दी थी। ये बात ठीक है कि फिर 2010 और 2012 में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती, लेकिन फिर आप देखिए कि 2014 और 2016 में भारतीय टीम ने बिल्कुल कन्विंसिंग जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में हासिल की। 2016 के बाद कोई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से भारत का हुआ नहीं है, तो वो एक बात है। तो ये इस मुकाबले का इंतजार जो है वो सभी को था भी कि हाँ टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भिड़े, अब वो स्टेज सेट हो रहा है और ये मुकाबला जो है अब खेला जाएगा सोमवार को। तो ये इस मुकाबले में जो है भारतीय टीम का जो कैरेक्टर है वो बहुत कुछ निखर कर सामने आने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखिए ये बात हो सकता है कि सही कहना नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो भारतीय टीम ने मैचेस खेले हैं वो अपनी बराबरी की टीमों से नहीं खेले हैं। मैं उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान की टीम है वो पास्ट वाली पाकिस्तान की टीम नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी थी। कम से कम उनका गेंदबाजी डिपार्टमेंट ऐसा होता था कि किसी भी टीम को दिक्कत देती थी, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम वैसी नहीं थी और यही वजह है कि वो सुपर एट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो भारत का जो अब तक मुकाबला हुआ है इस टी20 विश्व कप में वो उसके लेवल की टीमों से नहीं हुआ है। अब जाकर उसकी शुरुआत होने जा रही है बांग्लादेश मैच के बाद। तो अब जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों से खेलेंगे, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, तो जब आप इन टीमों के साथ खेलते हैं, वेस्ट इंडीज है, तो जब इनसे जब अब आपके मुकाबले होते हैं तब पता चलेगा कि हाँ टीम कहाँ खड़ी है, टीम ने जो स्टैंड लिया है वो कितना सही है कितना गलत है और टीम जो है किस तरह से क्रूशियल मोमेंट पर परफॉर्म करती है। क्योंकि अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान वाला मैच थोड़ा रोचक जरूर हुआ था, लेकिन आप देखें तो कोई उस तरह की कंपटीशन देखने को मिली नहीं है। तो अब जो है भारतीय टीम की असली परीक्षा अब यहां से शुरू होती है जो आने वाले 3 मैचेस हैं, और अगर ये 3 मैच भारतीय टीम जीत लेती है तब तो फिर खिताब अपना हो ही जाएगा। तो उसी की तो प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं और सुबह से स्टार्ट करते हैं, रात तक जो है मैच देखते हैं, देर रात तक, तो इसी वजह से देखते हैं कि टीम जो है इस बार चैंपियन बनेगी। टीम से काफी अपेक्षाएं हैं, हाँ, लेकिन कोई अपेक्षाओं का भार नहीं है। भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, ये सबसे खुशी की बात है। बिल्कुल, भारतीय टीम अच्छा खेल रही है और जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश के मुकाबले के बाद अब सोमवार को जो मुकाबला होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यहां से टीम इंडिया की असली परीक्षा शुरू होने वाली है, यहां से टीम इंडिया का इम्तिहान शुरू होने वाला है। और हमारे साथ साथ जो पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, करोड़ों फैंस की उम्मीद यही है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं टीम इंडिया की, वो परीक्षा भी टीम इंडिया पास करे और अगर जीत की हैट्रिक टीम इंडिया सोमवार के मुकाबले से लगाना शुरू करती है तो ऑस्ट्रेलिया को हराए और फिर सेमीफाइनल और फाइनल की जो राह है उसको टीम इंडिया पूरा करे और फिर जो 2007 के बाद जीत का इंतजार हो रहा है, विश्व कप की जीत का, वो इंतजार भी टीम इंडिया खत्म कर देगी। फिलहाल हम इस मैच पर चर्चा कर रहे थे, इस पूरे मैच पर हमने विस्तार से चर्चा की कहां टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट रहा जो टीम इंडिया को आगे आने वाले मैचों में मजबूत करेगा। तो दर्शकों को जानकारी दे दें कि 24 जून को यानी कि सोमवार को भारतीय टीम सुपर एट का आखिरी मुकाबला खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसके बाद 2 और मुकाबले बचेंगे। अगर भारतीय टीम विश्व कप का सपना पूरा करना चाहती है तो 2 मुकाबले और टीम इंडिया को जीतने होंगे और सभी क्रिकेट प्रशंसकों की यही दुआ है कि भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है, जिस इंटेंट के साथ खेल रही है, जिस इरादे के साथ खेल रही है, उसी इंटेंट के साथ आगे भी खेलते रहे और जो सबका इंतजार है उस इंतजार को टीम इंडिया खत्म करे। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिंह जी आपका, आपने तमाम चीजों पर चर्चा की और इस पूरे मैच की समीक्षा की।